मनाली हाय, इथे चॅट विंडो तुला दिसेल, त्याच्यावरती तुझा काही एखादं क्वेरी असेल, क्वेश्चन असेल किंवा काही डाऊट असेल किंवा काही एरर येत असेल तर मला चॅट विंडो वरती टाकू शकतेस. सिस्टम वर जो दिसतोय आणि काहीच नाही झालं तर मग मला व्हॉट्सअप वरती तरी तू मला कनेक्ट करू शकते. एव्हरीवन, अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो व्हाट्सअप पे हूँ, अगर ये चैट विंडो ओपन नहीं हो पा रहा है आपके यहाँ पे तो ठीक है. ये रिकॉर्डेड सेशन होगा जो कल से हम करेंगे, बेसिक एडवांस और एक्सपर्ट के लिए सेपरेट होगा, अलग अलग होगा और इसका रिकॉर्डिंग लिंक मैं आपको भेजूंगा जिससे कि आपको जो भी आपको मैं सिखाऊंगा या बताऊंगा वो आपको रिकॉर्डेड वीडियो के जरिए वापस एक बार रिकलेक्ट करने के लिए आपके पास वो हैंडी लिंक होगी. ठीक है, अब थोड़ा सा मार्केट के बारे में समझते हैं. ट्रेनिंग के दरमियान बहुत बार हमने एक वर्ड बार बार यूज किया था जो हमारे सिलेबस में है भी, उसको बोलते हैं अंडर वैल्यूड. तो अंडर वैल्यू स्टॉक होते कैसे हैं, कब होते हैं, उसका बहुत अच्छा एग्जांपल अभी के मार्केट में देखने के लिए मिल रहा है. स्टॉक के जो हाई प्राइजेस थे 2-3 महीने पहले, वहां से स्टॉक लगभग बहुत सारे स्टॉक, टॉप 200 स्टॉक में से कई सारे स्टॉक ऐसे हैं जो अभी 80-80% 70-70% डाउन है. अब यहाँ पे एक चीज गौर करने लायक है जो मैंने काफी सारे लोगों से डिस्कस करने के बाद समझी, वो ये कि अभी जो सिचुएशन कोरोना की वजह से है मार्केट में, वो आगे इस तरह का मार्केट का जो सिचुएशन है, बैड सिचुएशन, वो आगे 6 महीना 8 महीना या 9 महीने तक कंटिन्यू रह सकती है. हमें हमारे आंखों से दिखाई दे रहा है कि कुछ भी चल नहीं रहा है, ना दुकान चालू है, ना ऑफिस चालू है, ना कारखाने चालू है, ना कुछ भी चालू नहीं है. और जो हमें सामने सामने दिखाई दे रहा है उसकी वजह से हम ये अनुमान इजीली लगा सकते हैं कि इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ा बैड सिचुएशन है जो संभलने के लिए 8 से 9 महीना कम से कम लग सकते हैं. अब इस बैड सिचुएशन में भी कुछ चीजें ऐसी अच्छी वाली है जिसको अगर हम अभी ग्रैब करें तो आगे आने वाले 2-3 साल में काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट या काफी अच्छा वेल्थ हम क्रिएट कर सकते हैं. अब वेल्थ क्रिएट करने के लिए कई सारे स्टॉक्स हैं जो 2-3 महीने पहले बहुत मुश्किल हो रहा था स्टॉक्स को ढूंढ पाना, अब कई सारे स्टॉक है, एक ढूंढो तो 1000 मिलेंगे, ऐसे वैल्यूएशन पे आए हुए हैं कई सारे स्टॉक. तो अगर मैं अभी के मार्केट कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए किसी कंपनी के ऊपर गौर करूं तो सबसे पहले मुझे कोई कंपनीज अगर ध्यान में आती है, दिमाग में आती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उन कंपनियों में फार्मा सेक्टर की कंपनियों का नाम सबसे ऊपर होगा. और उन फार्मा सेक्टर में से कुछ कंपनियां हैं जो बहुत ज्यादा बेनिफिट इस करंट सिचुएशन का शायद ले सकती हैं. उसमें से कुछ कंपनियां मेरे सामने हैं जिसमें मैंने खुद ने भी इन्वेस्टमेंट अभी किया हुआ है. एक है थायरो केयर, जिसका अभी प्राइस चल रहा है 533, जो मैंने कल यस्टरडे दोपहर को 444 पे लिया था और आज मैंने इसको 486 में वापस एक बार लिया हुआ है और अभी वो चल रही है 533 533. और इस रेट में भी ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर मैं 8 से 9 महीना या 2-3 साल के पीरियड के लिए लेना चाहता हूँ. अब जो भी स्टॉक्स का डिस्कशन अब हम कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ उन स्टॉक के डिस्कशन को के में शॉर्ट टर्म रिलेटेड कोई भी स्टॉक मेरे मुंह में से नहीं आएगा आपको रिकमेंड करने के लिए. रीजन इज कि शॉर्ट टर्म मतलब बहुत रिसेंट टाइम में, 1 या 2 महीना या 15 दिन के टाइम में क्या होने वाला है मैं भी नहीं बता सकता हूँ. ये जो अभी का कंडीशन है वो हर एक के लिए नया है. इस कंडीशन में कोई भी जा नहीं, मतलब गया नहीं है इसके पहले, कोरोना जैसा कंडीशन जो हमारे सबके लिए, कितने भी बड़े से बड़ा एनालिसिस हो या इकोनॉमिस्ट हो, उसके सबके लिए ये नया सिचुएशन है. किसी को कुछ नहीं पता कि इसका रिजल्ट या इसका आगे
का जो सिचुएशन होने वाला है वो और बुरा होने वाला है, या 15-20 दिन में इसके ऊपर कोई दवाई ढूंढ लिए पाई जाएगी और मार्केट संभलेगा, ये किसी को भी नहीं पता कहाँ पे जाने वाला है आगे का सिचुएशन। कुछ लोगों से मैंने बात की, जिन लोगों में 50% लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत निगेटिव आगे का फ्यूचर प्रेडिक्ट किया है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पॉजिटिव आगे का ये कंडीशन प्रेडिक्ट किया या अनुमान लगाया है। तो ये बता पाना हर एक के लिए बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। उस कंडीशन में अगर मैं किसी स्टॉक को बाय करने की कोशिश करूंगा तो वो प्योरली लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म या डिलीवरी बेस मेरा बाइंग होगा। मैं कभी भी मेरे अकाउंट में पैसा जितना है उसे कई गुना ज्यादा अमाउंट का स्टॉक बाय करने की बिल्कुल जरूरत नहीं करूंगा। जरूरत ये वर्ड मैं इसलिए एक्चुअली ले रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स के प्राइजेस हैं जहाँ पे मुझे बहुत ऐसा ग्रीडी फील हो सकता है कि यार साला ये तो 1,000 रुपये वाला स्टॉक अभी 200 में मिल रहा है, वापस 150 में मिलने लगेगा, फिर 100 रुपये मिलने लगेगा। उस टाइम पे शायद वो ये कंडीशन आ सकती है कि हम उस स्टॉक को जिसको मुझे एक ही बार लेना था उसको अननेसेसरी मैंने मेरे लिमिट के बाहर जाकर कई बार बाई किया और इसकी वजह से मैं किसी एक या दो स्टॉक में एक या दो स्टॉक में मैं फंसा रहा। इस टाइम पे एक और हमें एक स्ट्रेटेजी या फिर जिसको बोल सकते हैं कि स्टाइल, इन्वेस्टमेंट स्टाइल हमें अपनाना होगा, वो ये कि मुझे कोई एक पर्टिकुलर दो या तीन स्टॉक नहीं लेने हैं, मुझे नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ाने हैं, मतलब 10, 15, 25, 30 कंपनीज। उसमें भले मेरे पास अगर 30,000 होगा तो मैं 3-3 हज़ार के 10 कंपनियां लूंगा या 2-2 हज़ार के 12-15 कंपनियां लूंगा। वो इसलिए क्योंकि कोई कोई ऐसी कंपनी हो सकती है जिसको आगे जाकर 8 से 9 महीना या 2 साल भी लग सकते हैं संभलने के लिए। कोई कोई कंपनी बहुत फास्टली ग्रो कर सकते हैं। अगर आप किसी दो या तीन स्टॉक में हमारा अपना कैपिटल ब्लॉक करके रखोगे और पता चला वही कंपनी 2-3 साल तक संभली ही नहीं, तो और आप उसके सामने कई सारे दूसरे कंपनीज थी जो आपकी आंखों के सामने थी लेकिन आपने लिए नहीं और वो फटाफट 3 से 4 गुना या 5 गुना हो गई, तो उस टाइम पे हमें बहुत पछतावा हो सकता है। तो बेटर यही होगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपके पास होगा डिलीवरी बेस्ड बाइंग करने के लिए उसको आप 10 से 15 कंपनियों में डिवाइड कर लें। थायरो केयर एक कंपनी है, दूसरी कंपनी मेरे सामने है जिसको मैंने बाय करना शुरू कर दिया है वो है डीमार्ट। डीमार्ट एक आपको पता है वेल नोन कंपनी है और इसका सुपर मार्ट मतलब सुपर स्टोर का बहुत बड़ा चैन है, और जैसे ही ये माहौल सुधरने लगता है और लोग धीरे धीरे बाहर आना शुरू कर देते हैं तो सबसे पहले अगर कोई स्टॉक बढ़ना शुरू होगा वो होगा डीमार्ट। इसके बाद इसी कैटेगरी में मतलब रिटेल कैटेगरी में मैं अभी बाइंग कर रहा हूँ ब्रिटानिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसके कई सारे कारण भी हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर का तो बहुत बड़ा कारण है क्योंकि आपको पता है कि कई सारे बहुत सारा बड़ा पोर्टफोलियो है इसका प्रोडक्ट का, जिसमें डेटॉल और सैनिटाइजर का जो प्रोडक्ट है उसमें कई गुना ज्यादा प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया है। और आप सबको शायद पता होगा कि कई सारे दुकान में शॉप्स में डेटॉल मिल भी नहीं रहे, तो ये सारा सिचुएशन है और इसको बिना मार्केटिंग किए काफी अच्छा सेल्स इसका हो रहा है, और इसने बीच में प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ा भी दिया था लेकिन उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले उसने अपना प्रोडक्ट कॉस्ट घटा दिया है गवर्नमेंट के इंट्रक्शन की वजह से या शायद मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। लेकिन अभी जो हमारे मन के ऊपर डर सा बैठा हुआ है कि बॉस बार बार हाथ धोने चाहिए या फिर डेटॉल से हमें हमारा जो भी क्लीननेस है घर का या किसी चीज का वो करना चाहिए, तो ये आगे 9 या 10 महीना या 1 साल तक कंटिन्यू रह सकता है। उस पूरे ड्यूरेशन के लिए इसको मतलब ये हिंदुस्तान यूनिलीवर को सेल्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर भी मेरे पोर्टफोलियो में ऐड किया है। इसके अलावा एक और स्टॉक है जिसको मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा वो है SBI लाइफ।
आपको पता होगा कि शायद पता होगा कि नहीं, मुझे पता नहीं, आप सर्च कर लो गूगल में कि इंश्योरेंस कंपनियों का पॉलिसी लेने का जो ये है ना डेटा, वो काफी गुना बढ़ गया है अभी लास्ट 10-15 दिनों में। मैंने भी एक, मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस होने के बावजूद एक और हेल्थ इंश्योरेंस लिया जो मुझे कोरोना का प्रोटेक्शन दे रहा था। तो ये जो मेरे लिए है या आपके लिए है, वो हर एक के लिए लागू पड़ता है। तो काफी सारे लोग अभी बहुत कॉशियस हो गए अपने हेल्थ को लेकर या मेडिकल एक्सपेंसेस को लेकर, तो उसका फायदा ये इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा। बट यस, इसके साथ साथ एक और चीज मुझे आपको बतानी है कि अगर मान लो ऐसा कुछ, मैं दुआ करता हूँ भगवान से कि ऐसा कुछ ना हो, बट अगर ऐसा कुछ हुआ जिसमें लोगों का कोरोना का जो डिटेक्शन है वो ज्यादातर बढ़ गया बहुत परसेंटेज से, और लोग अगर मान लो इसे ये हो जाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम के केसेस बहुत ज्यादा आ जाएंगे, जिसकी वजह से कि इंश्योरेंस कंपनी को लॉस भी हो सकता है शायद। तो हमें इस चीज को भी ध्यान में रखकर इंश्योरेंस कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमें एक ही लेवल पे बाय नहीं करना है और एक ही कंपनी में बाय नहीं करना है, हमें डाइवर्सिफाइड करके बाय करना है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल या कोई डाउट है जो मैंने अभी कुछ कंपनियों के नाम लिए या कोई सिचुएशन के बारे में बताया, या कुछ अगर आपको ऐड करना होगा तो प्लीज आप जो चैट विंडो है उसमें कुछ ऐड कर लीजिए। नहीं है कोई सवाल? ओके, अब मैं एक कंपनी आपको सजेस्ट करना चाहूंगा अभी के करंट सिचुएशन को देखते हुए, और उसके जो स्टॉक प्राइजेस है वो कई गुना नीचे आने की वजह से भी, और दैट कंपनी इज वेरी फंडामेंटली स्ट्रांग। वो है IRCTC। IRCTC जो रिसेंट में उसका IPO आया था, IPO के बाद उसका जो अप्रिसिएशन हुआ वो हुआ था 2000 पे, मतलब उसका टॉप प्राइस था 2000। लिस्टिंग तो उसका 600 पे हुआ था, बट वो गया था 2000 पे। वहां से बहुत ड्रास्टिकली टूट टूट कर अभी वो लोअर सर्किट में है 815 में। तो ये एक अभी का बहुत बढ़िया मौका है IRCTC को ऐड करने का, जिसमें मैं आपको पार्शियली ऐड करने का सजेशन दूंगा। दो दो तीन तीन क्वांटिटी आप SIP की तरह जैसे ही पॉसिबल होगा आप बाय करते जाइए, क्योंकि जैसे ही ये पूरे कंडीशन सॉल्व हो जाते हैं और सारे ट्रेन चालू हो जाते हैं, या फिर जो भी टूरिज्म बिजनेस थोड़ा धीरे 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 पिकअप करने लगता है, तो बहुत बढ़िया रिटर्न्स इससे एक्सपेक्टेड होगा। दैट इज व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस IRCTC फॉर नेक्स्ट 1.5 ईयर और 2 ईयर मिनिमम। तो ये एक कंपनी है, और इसके साथ साथ बर्जर पेंट और एशियन पेंट दो कंपनियां मैं आपको रिकमेंड करूंगा। रिकमेंड करने का रीजन ये है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी दिनों से मतलब बहुत नीचे नीचे आते जा रहे, और बर्जर पेंट और एशियन पेंट दोनों कंपनियों का ये क्रूड ऑयल प्राइस कम होने का बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है, और इसको करके ये शायद ऐसा भी हो सकता है कि बर्जर पेंट या एशियन पेंट क्रूड ऑयल का जो प्राइस डाउन हुआ है उसका बेनिफिट लेने के लिए अगले साल का जो रॉ मटेरियल है उसका खरीदारी भी इस साल शायद करके रखे। तो जब भी मार्केट संभलने लगेगा, बर्जर पेंट और एशियन पेंट ये दोनों कंपनियां बहुत अच्छे लेवल पे वापस आ सकती हैं, जो उनका पहले का टॉप लेवल था वहां तक काफी फास्टली ये ग्रो कर सकती है। तो ये दो कंपनियां है ऐड करने लायक। नॉर्मली हमारा जो ध्यान रहता है ना वो बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा रहता है, जब से बैंक मुझे रिसेंट के 4-5 दिनों में
कई सारे कॉल और मैसेजेस आए कि जिन्होंने बोला था, मतलब जिनका ये क्वेरी था कि ये बाय करो क्या, वो बाय करो क्या। उसमें HDFC बैंक एक टॉप कंपनी थी मेरे मुझे सजेशन पूछने के लिस्ट में। तो HDFC बैंक, यस नो डाउट इट इज वेरी गुड कंपनी, बट अगेंस्ट HDFC बैंक मेरे पास कई सारे ऐसे ऑप्शंस है जो HDFC बैंक से भी अच्छा रिटर्न मुझे कमा के दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज कि बैंकिंग सेक्टर में मैं मना कर रहा हूँ एंट्री करने का। रीजन इज कि आप सबको जैसे पता है कि अभी का जो कंडीशन है उसमें कई सारे शॉप्स, कई सारे दुकानें, कई सारे कारखाने, कई सारे कंपनियां, ऑफिसेस, सब 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 कुछ बंद है। तो इसमें NPA बढ़ने का चांसेस बहुत ज्यादा है, वो भले कितने भी स्ट्रॉन्ग बैंक हो। अगर कोई जेन्युइन बिजनेस है और वो धंधा ही नहीं कर पा रहा है, उसके पीछे फिक्स एक्सपेंसेस है, उसको नुकसान हुआ है, उसका रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है और उसको रॉ मटेरियल का जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है, तो शायद अगर वो लोन पे नहीं कर पाया या उसका धंधा ही पूरा चौपट हो गया, तो उस केस में कितना भी अच्छा बिजनेस हो वो बैंक को अपना पैसा चुकता नहीं कर पाएगा, और इस वजह से अच्छे अच्छे बैंकों का भी NPA बढ़ सकता है। इस वजह से मैं बैंकिंग सेक्टर में रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब कल से जो हम कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं ना ऑनलाइन, उसमें हम मोस्ट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का पार्ट लेंगे, जिसमें हर दिन एक अलग टॉपिक होगा। तो कल की टॉपिक को मैं आज अभी थोड़ी देर में मतलब आफ्टर 3:30 आपको मैसेज करूंगा। जो भी जिस भी कोर्सेज के जो स्टूडेंट है उनको उस कोर्स का एक पर्टिकुलर टॉपिक लेकर हम लोग 1 घंटे का ये वेबिनार सेशन करेंगे, और उस वेबिनार सेशन में उस टॉपिक को एकदम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। और मोस्ट ऑफ थ्योरी पार्ट नहीं होगा, मोस्ट ऑफ प्रैक्टिकल पार्ट होगा, जिसमें हो सकता है कि फंडामेंटल हो, जिसमें हो सकता है कि टेक्निकल हो, जिसमें हो सकता है कि जो प्लेटफॉर्म हम लोग यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके बारे में हो, या मार्केट में कई सारे डेटाज मिलते हैं हमें कई सारी जगह से। जो डेटाज मैं जिस डेटा की बात कर रहा हूँ वो डेटा कंपनियों के रिजल्ट एंड फाइनेंशियल डेटाज के बारे में बात कर रहा हूँ, उसको एनालाइज कैसे करना है, ये सारी चीजें वन बाय वन हम ऑनलाइन ट्रेनिंग के जरिए सीखने की कोशिश करेंगे। और शायद अगर आप आपको पॉसिबल होगा किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो फिर हम इन्वेस्टमेंट भी रियल टाइम बेसिस पे करेंगे, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद उससे रिलेटेड ऑर्डर बुक, नेट पोजीशन या पोर्टफोलियो या डीमैट, जो भी चीजें होंगी उसके रिलेटेड फिर हम उस सेशन में देखेंगे। ऑनलाइन वेबिनार ट्रेनिंग, मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक सबसे बड़ा मोटिव यही है कि आपको रियल टाइम प्रैक्टिस और नॉलेज मिले। तो ये था मेरी तरफ से, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अपने माइक्स ऑन कीजिए, और ये पूरा सेशन जो अभी हमने कंडक्ट किया उस सेशन में आपको कोई आपको बहुत ही कंफर्टेबल हुआ या कंफर्टेबल नहीं हुआ, या स्पीकर में या कोई वॉइस में या फिर इंटरनेट में कोई भी किसी भी तरह का कुछ अगर दिक्कत आया होगा तो आप मुझे स्पीकर ऑन करके बता दीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी वो चीज जो कुछ क्वेरी आपका होगा इस सिस्टम को लेकर, आप में ईमेल में लॉगिन करने के बाद आपको कोई दिक्कत आई या नहीं आई, तो जो लोग नए हैं उनको भी समझने में वो इजी रहेगा, और मुझे भी ये समझेगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है या कहीं कहाँ पे नहीं आ रहा है, उसके वजह उस हिसाब से आगे के जो ऑनलाइन प्रोग्राम हम कंडक्ट करेंगे उस टाइम पे हम इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। तो शुरुआत करते हैं, स्पीकर ऑन कर लीजिए आप वन बाय वन। प्रकाश जी, एकदम कनेक्ट करण्यामध्ये हा सर काही प्रॉब्लेम झाला, नाही आला, काय झालं एक्सपिरियन्स ओव्हरऑल? नाही नाही कम्फर्टेबल होत, आला आवाज वगैरे व्यवस्थित. आवाज, स्क्रीन, एवरीथिंग वॉज कम्फर्टेबल? हो ओके। रुपाली हो बरोबर. जी, रुपाली जी, साधना, हाँ कंफर्टेबल है सर. एवरीथिंग इज स्क्रीन, मेरा लैपटॉप का स्क्रीन देख पा रही थी तुम?
speaker. Everything is fine. Okay, Viraj. Oh, comfortable, sir. Mohit. Rupali, yes, madam. Sir, comfortable. Comfortable, ekda. Everything is okay. कदाचित काहीतरी मेसेजेस आलेत, एक मिनिट, मेसेजेस आलेत इपकाल आहेत, एनी अदर फार्मा स्टॉप, इपकाल आहेत. अच्छा, इपकाल ऍप एक खूप चांगली कंपनी आहे. गव्हर्नमेंटने 3 फार्मा कंपन्यांना त्यांच्या ऑथराइज सेंटर्स ओपन करण्यासाठी अलाउड केलं आहे. त्याच्यामध्ये एक इपकाल ऍप आहे, एक कायरो केअर आहे, आणि अजून एक कंपनी आहे जिचं मला आता नाव आठवत नाही, पण मी व्हॉट्सअपवर तुम्हाला हे करेन. तर या इतक्या लॅब मध्ये आताच्या लेवलला इन्व्हेस्टमेंट डेफिनेटली करू शकतो. ठीक आहे, ऑलमोस्ट मुझे कई सारे लोगों का फीडबॅक आ चुका आहे की वेबिनार सेशन इज व्हेरी कम्फर्टेबल. So depending on your course, I will message you in the evening ki kal hum kitne time pe, kaun se time pe class conduct karenge. Most of jo class conduct hoga, approximate time aapko bata deta hu. Class agar kabhi conduct hoga to wo hoga 4 se 7 baje evening mein, koi bhi 1 ghanta. Is that comfortable to everyone? Hello. Haan. Sir, 4 to 7 na? Haan. In between 4 to 7, any 1 hour. Okay. Everyone is comfortable because why 4 to 7? Kyunki humne abhi equity PMS chalu kiya hai. Aur usme main pure market hours mein main khud uske upar focus karke kafi sara acha acha opportunities grab karne ki koshish karta hu. और मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको करके आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज दैट पर्टिकुलर मोमेंट वेयर मेरे स्टूडेंट को या मेरे इन्वेस्टर को जो फायदा हो सकता था मिस ना हो जाए, इस वजह से आपको 3:30. और मैं इन वीक भर में एक सेशन ऐसे रखने की कोशिश करूंगा जो लाइव मार्केट में हो, ऑनलाइन मार्केट में हो. तो मैं आपको पहले बताऊंगा एडवांस में, और फिर हम लाइव मार्केट में उस चीज को देखेंगे, समझेंगे और करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने इम्पोर्टेंट टाइम निकाला मेरे लिए. और मैं आप सबके लिए प्रे करता हूँ कि आप जहाँ कहीं पे भी हो ग्रुप हो, और किसी भी हालत में बाहर निकलने की कोशिश मत कीजिए. माहौल बहुत खराब है और बहुत डरने की भी जरूरत नहीं है, अगर हम अंदर है तो हम सुरक्षित है. थैंक यू सो मच. Jai Hind.